हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ। बैग है जिसमें 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स है। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द सेकेंड बॉल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो रेड? सो ए इवेंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड बॉल हमारी क्या है, रेड है। एंड बी इवेंट हम कंसिडर कर लेते हैं दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। सो गिवन क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि इफ द सेकेंड बॉल इज रेड, मतलब ए हो चुका है, सो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ए। नाउ सेकेंड बॉल इज रेड, अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ से अगर हम देखें तो वी हैव टोटल 9 बॉल्स, टोटल 10 बॉल्स है हमारे पास, राइट। और उसमें हमारे पास सेकेंड बॉल रेड आई है ऐसा हमें बोला है, तो बेसिकली फर्स्ट रेड नहीं आएगी, तो दैट इज़ हमारे इसको फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे, 7 वेज, एंड इसको फिल करने के 3 वेज, सो दैट इज 21 ओवरऑल। नाउ अगर हम देखें तो हमारा जो सैम्पल स्पेस हो जाएगा दैट रिस्ट्रिक्ट्स टू कहाँ तक, भाई 21 हो गया ये, राइट। नाउ ये हमारा बेसिकली सेकेंड बॉल इज रेड, इसमें स्पेसिफिक है सेकेंड बॉल रेड है, राइट। तो फर्स्ट बॉल कुछ भी हो सकती है, सो आइदर इट कुड बी ब्लैक और इट कुड बी रेड वाला अगर केस होता, तो देन वी हैव टू और इधर 3, सो ये 6 केसेस और ऐड हो जाएंगे, सो ये हमारे 27 केसेस आ जाएंगे टोटल, ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। नाउ सेकेंड और फर्स्ट दोनों रेड हो, दैट मीन्स ये वाले हमारे फेवरेबल हो जाए, तो दैट इज ऊपर 6 आ जाएगा, सो 6/27 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो दैट कम्स आउट इज 2/9, सो हमारा इसका फाइनल आंसर 2/9 आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।